हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ घर में भूलकर भी न रखें इस तरह के भगवान की मूर्तियाँ, या अगर आप रखते हैं तो उसे देखकर रखें, उठाना पड़ सकता है नुकसान आपको अगर ऐसी मूर्तियाँ आप अपने घर में रखते हैं तो। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घरों में इष्ट की आराधना करने के लिए एक छोटा सा पूजा घर अवश्य बनाते हैं। घर में यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। धार्मिक दृष्टि से तो पूजा पाठ करना अच्छा माना ही जाता है। वास्तु में भी पूजा पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। वास्तु कहता है कि प्रतिदिन धूप दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और घर में सुख शांति आती है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि प्रतिदिन पूजा करने पर भी घर का वातावरण नकारात्मकता भरा लगने लगता है। क्या आपको पता है कि कई बार मंदिर में भगवान मूर्तियां रखते समय यदि कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके कारण आपको समस्याओं व कलह क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु में पूजा घर को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, इन नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और कौन सी मूर्तियां जरूरी है रखना। दोस्तों, घर में किसी भी स्थान पर या पूजा घर में भगवान की मूर्ति कभी भी इस प्रकार नहीं रखनी चाहिए कि उनकी पीठ के दर्शन हो। मान्यता है कि पीठ की ओर से भगवान के दर्शन करना शुभ नहीं होता, इससे दुर्भाग्य आता है। खास तौर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को इस तरह से बिल्कुल ना रखें जिसमें मूर्तियां का पिछला भाग दिखाई दे रहा हो। माना जाता है कि भगवान गणेश की पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है, इससे आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, भूलकर भी न रखें खंडित मूर्तियां। वास्तु शास्त्र कहता है कि मंदिर में भूलकर भी खंडित मूर्तियां या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्ति या तस्वीर होने से पूजा करते समय हमारा ध्यान बार बार उस ओर जाता है और हम पूजा में पूरा ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, वास्तु कहता है कि कभी भी घर के मंदिर में देवी देवताओं की ऐसी तस्वीरें या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जिसमें वे क्रोधित या रोध मुर्दा में हो। घर में हमेशा भगवान की सौम्य और आशीर्वाद मुर्दा की मूर्तियां रखनी चाहिए। इस तरह की मूर्तियां रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और आपके घर में सुख शांति आती है। वास्तु कहता है कि पूजा घर में एक ही देवी या देवता की एक से अधिक मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। यदि भगवान गणेश की दो प्रतिमाएं घर में हो तो उन्हें अलग अलग स्थानों जैसे एक द्वार पर तो एक पूजा घर में लगाई जा सकती है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं एक दूसरे के ठीक सामने नहीं रखनी होनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर का सबसे पवित्र स्थान पूजा घर माना गया है। वास्तु का सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित है और सबसे अधिक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर का सबसे पवित्र स्थान पूजा घर माना गया है। वास्तु का सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित है और सबसे अधिक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी हर एक चीज का विशेष महत्व होता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए जिससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। पूजा घर में रखी हुई कुछ चीजें घर के सदस्यों पर बुरा प्रभाव डालती है और इससे घर की बरकत भी रुक जाती है। तो दोस्तों, पूजा घर से कौन सी चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको और भी सारी चीजें बता रहे हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी टूटी हुई या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्तियां रखने से पूजा का फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा अधिक फैलती है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। इसके अलावा मंदिर में कभी भी रौद्र रूप वाली मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई है तो उन्हें बहते जल में प्रभावित कर दें। पूजा घर में देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए।
अगर मंदिर में ऐसी चावल है तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना गया है, इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर के किसी दूसरी जगह लगा लें। भगवान की पूजा हर घर में की जाती है। लोग अपने घर में भगवान को एक खास जगह देते हैं और उसी जगह पर रोजाना उनकी पूजा पाठ की जाती है। एक तरह से माना जाए तो ये स्थान हमारे घर में एक मंदिर के रूप में रहता है। मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसका वास्तु के अनुसार ही होना शुभ माना जाता है। आज हम आपको आपके घर के मंदिर से जुड़ी ऐसी जरूरी बातें के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, आज हम आपको आपके घर के मंदिर से जुड़ी ऐसी जरूरी बातों को बताने वाले हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे भगवान की कृपा घर परिवार को नहीं मिल पाती है। घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना करने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं जिन्हें घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इनके घर में होने पर सुख समृद्धि घर से चली जाती है। दोस्तों, यदि आपके घर का पूजा घर गलत दिशा में बना हुआ है तो पूजा का अविष्ट फल प्राप्त नहीं होता है। फिर भी ऐसे पूजा घर में उत्तर अथवा पूर्व उत्तर दिशा में भगवान की मूर्तियां या चित्र आदि रखने चाहिए। पूजा घर की देहरी को कुछ ऊंचा बनाना चाहिए। पूजा घर में प्रातः काल सूर्य का प्रकाश आने की व्यवस्था बननी होनी चाहिए। दोस्तों, पूजा घर में वायु के प्रभाव को संतुलित बनाने के लिए कोई खिड़की अथवा रोशनदान भी होनी चाहिए। पूजा घर के द्वार पर मांगलिक चिन्ह यानी कि स्थापित होनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या सूर्य की मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम में होना चाहिए। गणपति एवं दुर्गा की मूर्तियों का मुख्य दक्षिण में होना उत्तम होता है। काली माँ की मूर्ति का मुख्य दक्षिण में होना शुभ माना गया है। हनुमान जी की मूर्ति का मुख्य दक्षिण पश्चिम में होना शुभ फलदायक है। पूजा घर में श्री यंत्र, गणेश यंत्र या कुबेर यंत्र रखना शुभ होता है। दोस्तों, पूजा घर के समीप शौचालय नहीं होनी चाहिए, इससे प्रबल वास्तु दोष उत्पन्न होता है। यदि पूजा घर के नज़दीक शौचालय हो तो शौचालय का द्वार इस प्रकार बनना चाहिए कि पूजा कक्ष के द्वार से अथवा पूजा कक्ष में बैठकर वह दिखाई ना दे। पूजा घर का दरवाजा लंबे समय तक बंद नहीं रखना चाहिए। यदि पूजा घर में रोज पूजा नहीं की जाए तो वहाँ के निवासियों को दोषकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। पूजा घर में गंदगी एवं आसपास के वातावरण में शोरगुल हो तो ऐसा पूजा कक्ष भी दोषयुक्त होता है, चाहे वो वास्तु हो या ना हो, क्योंकि अगर ऐसा स्थान पर आकाश तत्व एवं वायु तत्व प्रदूषित हो जाते हैं जिसके कारण इस पूजा कक्ष में बैठकर पूजन करने वाले व्यक्तियों की एकाग्रता भंग होती है तथा पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। पूजा घर गलत दिशा में बना हुआ होने पर भी यदि वहाँ का वातावरण स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण होगा तो उस स्थान का वास्तु दोष प्रभाव स्वयं ही घट जाएगा। भगवान के दर्शन मात्र से ही कई जन्मों के पापों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसी वजह से घर में भी देवी देवताओं की मूर्तियां रखने पर भी परंपरा है। इस कारण घर में छोटा मंदिर होता है और उस मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाती हैं। कुछ लोग एक ही देवी देवता की मूर्तियों में भी रखते हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि घर के मंदिर में किस देवी देवता की कितनी मूर्तियाँ रखना बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि दोस्तों, भगवान श्री गणेश की मूर्ति प्रथम पूजनीय श्री गणेश के स्मरण मात्र लेने से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। घर में इनकी मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो अधिकांश घरों में गणेश जी की कई मूर्तियां होती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गजानंद की मूर्तियों की संख्या 1, 3 या 5 नहीं होनी चाहिए, ये अशुभ माना गया है। गणेश जी की मूर्तियाँ की संख्या विषम नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश का स्वरूप सम संख्या के समान होता है, इस कारण इनकी मूर्तियों की संख्या विषम नहीं होना चाहिए। विषम संख्या यानी 1, 3, 5, 7 आदि। घर में श्री गणेश की कम से कम 2 मूर्तियां रखने स्वर से माना गया है।
दोस्तों, शिवलिंग की संख्या और आकार कैसी होनी चाहिए? ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। घर में शिवलिंग रखने के संबंध में कुछ नियम बताए गए हैं। घर के मंदिर में रखने गए शिवलिंग का आकार हमारे अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग बहुत संवेदनशील होते हैं, अतः घर में ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही घर के मंदिर में एक शिवलिंग ही रखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर फल देता है। एक से अधिक शिवलिंग रखने से बचना चाहिए। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की संख्या एक ही होनी चाहिए, क्योंकि बजरंग बली रुद्र शिव के अवतार है। घर में शिवलिंग भी एक ही होनी चाहिए। मंदिर में बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ठ होता है। घर के अन्य भाग में हनुमान जी की मूर्ति नहीं, ऐसी फोटो रखी जा सकती है जिसमें वे खड़े हुए हों। घर के दरवाजे के पास उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो रखी जा सकती है। ध्यान रखें कि पति पत्नी को शयन कक्ष में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो नहीं लगानी चाहिए। शयन कक्ष में राधा कृष्ण का फोटो लगाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।